तो गैस मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं WWE फैन सेटअप। तो गैस कैसे डेडमैन द फीनॉम द अंडरटेकर करने वाला अपना रिटर्न बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर समर स्लैम 2020 में। तो गैस कैसे के पीछे की पूरी अपडेट रूमर्स एंड स्पेकुलेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कमाल की वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि देखो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस जैसे कि हम सबको पता है कि आखिरी बार हमें अंडरटेकर देखने को मिले थे रेसलमेनिया 36 में, जहाँ पे उनका मैच था द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स के अगेंस्ट। एंड ये मैच था गैस एक बोन यार्ड मैच, जहाँ पे अंडरटेकर हमें देखने को मिला था अपने ओल्ड अमेरिकन बैडस वाले लुक के अंदर। एंड गैस इस वाले मैच को अंडरटेकर ने जीता था। इसके बाद गैस बात करें तो कुछ समय बाद हमें यहाँ पे पता चला कि अंडरटेकर ने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट को। एंड गैस यहाँ पे WWE ने भी काफ़ी हद तक इसे कन्फर्म कर दिया था। तो गैस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंडरटेकर की जो रिटायरमेंट है वो एक तरह से हो गई है WWE के हिसाब से और अंडरटेकर के हिसाब से। बट गैस मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर WWE में रिटायरमेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि वो रिटर्न करवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गैस यानी कि अंडरटेकर का अगर यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ है तो आप समझ लो कि अंडरटेकर के अगले रिटर्न की प्लानिंग WWE काफ़ी जोर शोर से कर रही है। तो गैस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एज स्टाइल्स ने जो है वो अपना एक रिसेंट इंटरव्यू दिया BT स्पोर्ट को, जहाँ पर एज स्टाइल्स कहते हैं कि अंडरटेकर अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने हैं एंड समर स्लैम में वो लड़ना चाहेंगे अंडरटेकर से एंड डिफेंड करना चाहेंगे अपनी गैस यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को द फिनोम द डेडमैन द अंडरटेकर के अगेंस्ट। तो गैस यहाँ पे एज स्टाइल्स बोलते हैं कि अगर ये मैच होता है तो वो बेसिकली एक लूजर लीव्स टाउन मैच लड़ना चाहेंगे, एक तरह से आप करियर वर्सेस करियर मैच भी कह सकते हो। तो जो भी इस मैच को जीतेगा वो WWE के अंदर रहेगा, जो हारेगा वो WWE से रिटायरमेंट ले लेगा। तो गैस एज स्टाइल्स का कुछ ऐसा कहना है कि वो अंडरटेकर से समर स्लैम में लड़ना चाहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहते हैं, अंडरटेकर को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो गैस ये थी पूरी अपडेट। तो मोस्ट प्रोबेबली अंडरटेकर इसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंड रिटर्न कर सकते हैं समर स्लैम 2020 के लिए। तो कमेंट्स में जरूर बताना आप अपने थॉट्स। एंड गाइस इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था, ज्यादा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।